बार बार आते हैं यहाँ पर मंडी में अतिक्रमण हटाने के लिए, क्या समस्या आ रही है कि अतिक्रमण में है या नहीं है, क्या बात है? श्रीमान जी, अतिक्रमण जब गेट बना के दिए और दुकानें बना के दी, दुकानें जो है नगर पालिका ने नीलाम करी और 4-4 लाख की शर्त पे नीलाम करी, 4-4 लाख रुपये जमा है सबके, और उसकी भी कोई अभी तक लिखा पड़ी नहीं हुई, अनुबंधित भी नहीं हुई, 4-4 लाख रुपये हमसे सबसे ले लिया गया। बात यह है कि मंडी में किसी भी जगह दुकान भी रहेंगे तो उसके लिए ग्राउंड चाहिए, और ग्राउंड में ही काम होता है। एक आदमी का कम से कम 100-200 क्रेडे बेचेगा तो एक दुकान में 10x10 की में तो बेच नहीं सकता, उसके लिए ग्राउंड की ज़रूरत है, उसके लिए 3 सेट की भी ज़रूरत है। अभी इससे पहले भी हमने साहब से कहा था, ATM साहब ने 2-3 महीने पहले, तो उन्होंने वादा करके गए थे हमसे कि आपको हम बाकायदा ये 3 सेट सब हटा के नया 3 सेट बना के देंगे, रोड बना के देंगे। और इसके बाद भी हमारे जो श्रीमान जी क्या है विधायक साहब ने यहाँ शिलान्यास करा था, 80-82 लाख रुपये इसके लिए आया, कीचड़ मचती रहती है, पानी में हम बैठे हुए हैं, बारिश में परेशान है। बताइए आप, हम जो सौदा बेच रहे हैं ना पूरी पब्लिक, एक बार भी ये बाजार नहीं जाते अतिक्रमण के लिए, बाजार में फुल अतिक्रमण है, पूरे में ऐलान कर रहे हैं ये, लेकिन बाजार में अभी तक नहीं गए होंगे ये लोग, सिर्फ आते सब्जी मंडी में आया और इन्होंने फोटो खींचे और सबको डाल दिए, हमने अतिक्रमण हटा लिया। बस इन लोगों का ये काम है, सिर्फ मंडी अकेली इनको दिख रही है। और अगर मंडी की दुकानों के अंदर अगर एक दिन भी किराया लेट हो गया तो इनका चार्ज चालू हो जाएगा 50 रुपये रोज, 50 रुपये 40 रुपये, 110 रुपये पेनाल्टी लेते हैं लोग। और सब्जी कीचड़ पानी में, सब्जी कीचड़ पानी में बिक रही है और जूते शोरूम के अंदर बिक रहा है, सब्जी कीचड़ पानी में बिक रही है और जूते शोरूम में बिक रहा है, जो सब्जी पूरा शहर खा रहा है वो होटलों को कीचड़ बिक रही है और जूते चप्पल शोरूम के अंदर बिक रहे हैं। और जब देखो हम नगर पालिका, हम तो ये कर रहा था, हम तो वो कर रहा, आज तक कोई भी अधिकारी आके देख रहे यहाँ पे कुछ हो रहा हो, ये नगर पालिका वाले ये भर के ले जा रहा है सामान आके बगल पूछना गई और ये लेके जा रहा क्रेडे भर के, उससे पहले भी वहाँ से भर के ले गए क्रेडे अनमार भाई जी, उससे पहले भी वहाँ से अनमार भाई जी पाइप माइप सब भर के ले गए, तब भी ये ले जा रहा भर के आए भर के ले जाते बस। अब आगे आपको क्या रहेगा? अरे अब हमें जब इन्होंने हमें चंद्रमोहन ठाकुर जी ने आकर हमें जगह वहाँ से पुरानी बस स्टैंड पर ले आकर और इन्होंने हमें यहाँ पर जगह दी थी, उन्होंने विश्वास दिलाया था आपको यहाँ से नहीं हटाया, लक्ष्मीकांत जी इस टाइम पे जीवित थे, लक्ष्मीकांत जी लेके आए थे यहाँ पे, आप चलो हम मंडी में आपको बना के दे रहा है, मंडी बना के दी उन्होंने, वो हमसे उन्होंने कहा पुरानी बस स्टैंड पर हम मंडी बना रहा, आप भाव लोग चलिए, उन्होंने कहा हमने कहना माना, हम यहाँ पे आए मंडी में, हमें यब से ही परेशान किया जा रहा है, इन्होंने हमें दुकानें दे दी, ना कोई व्यवस्था है, पैसे सब ले लिए, हमारी दुकानें भी अभी तक हमारे नाम नहीं हुई है, भाई ये लोग तो जब आते हैं परेशान करने के लिए आने आते हैं यहाँ पे बस। तीन सेट का चंद्रमोहन ठाकुर जी ने खुद खड़े होकर जगह नाप कर सबको अपने अपने नाम से वो पर्ची डाली पूरी, सबके नामों से पर्ची पे नाम आए पूरों को, अपनी अपनी जगह पे आज भी बैठे हुए वो लोग, उन्होंने विश्वास दिलाया था कि आपको यहाँ से कोई नहीं हटाएगा। हम तो अब ये चाहते हैं साहब, हमें लिखित में मंडी बाकायदा दी जाए और व्यवस्थित जगह करके दी जाए, हमें अब ऐसी इस तरह मंडी नहीं चाहिए क्या हर कभी हटा दिया और हर कभी वो करेगा, क्योंकि मंडी का नुकसान बहुत होता है। अभी इससे पहले भी जब करा था तो काफ़ी माल फेंका था और एक दिन मंडी के रुकने से लाखों रुपए का नुकसान हो जाता व्यापारियों का, इसलिए हमें मंडी स्थायी दें। अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो फिर क्या करोगे? नहीं मानी गई तो आप इस बार, हम हर बार तो कहते थे लेकिन इस बार जरूर मंडी बंद करेंगे, हम बिल्कुल मंडी पूरी तरह से बंद करेंगे, समझो। आज फिर जो है सब्जी मंडी के अंदर नए बस स्टैंड पे अतिक्रमण आया है, संजीव यादव अतिक्रमण प्रभारी मौजूद है, बार बार अतिक्रमण यहाँ पर आता है और लोगों की बार बार शिकायत होती है कि एक बार क्यों स्थायी नहीं हटाया जाता, क्या बात है? देखिए कार्रवाई निरंतर चल रही है और कार्रवाई निरंतर चल रही है, अभी नगर पालिका कार्यालय के सामने जो पेटी वगैरह रोड पर उनकी पेटियाँ हटाई गई हैं, उसके बाद सब्जी तो साप्ताहिक बाजार के लिए अपना कोहिनूर आटू फाट के यहाँ से जो रास्ता आता है पुराने बस स्टैंड से, उस रास्ते पर लोग बैठे रहते हैं जिससे रास्ता यातायात आवागमन में बहुत ज़्यादा समस्या आती है, तो उसको सुदृढ़ बनाने के लिए यह निर्णय लिया है साहब ने कि यहाँ पर सब्जी मंडी में ये जो सेट है, सेट के अंदर व्यवस्थित रूप से छोटे व्यापारियों को जो दूर दराज से गाँव से आते हैं उनको व्यवस्थित रूप से यहाँ बैठा सकें, इसलिए आज ये जो सेटों के अंदर जो भी अतिक्रमणधारियों के अवैध रूप से जाली लगाकर कैरेट रखकर अन्य जो सामग्री रखकर जो भी अतिक्रमण किया गया है इसको कार्रवाई के रूप में इसको हटाने के लिए आज हम लोग आए हैं। अच्छा, कुछ आरोप भी लगा रहा है कि मुख्य बाजार का अतिक्रमण नहीं हटाते, बार बार मंडी में आते हैं, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कार्रवाई निरंतर चल रही है, स्थान चिन्हित हैं,
उन पर भी निरंतर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मुख्य बाजार में भी चालानी कार्रवाई हो रही है निरंतर, ऐसा नहीं, कार्रवाइयाँ चारों तरफ। साफ कहना है मंडी अध्यक्ष का कि अगर हमारी बात इस बार नहीं मानी जाए तो हम जो है हड़ताल करेंगे, क्योंकि जो मंडी के अंदर जो और व्यापारी आते हैं, आसपास वाले जो छोटे छोटे लोग आते हैं, सब्जी खरीद के ले आते हैं, अगर हम दुकान में रखेंगे खाली तो कैसे हमारी आड़त चल पाएगी। इस बार हमें ग्राउंड में रखना पड़ता है, और ये हमने जो टीन सेट वगैरह लगाए हैं, ये दुकानें नहीं, हमने 4-4 लाख रुपये भी दिए थे, इनकी रसीदें भी हमारे पास हैं, उसके बाद भी हमें बार बार परेशान किया जा रहा है। और मेन बाज़ार, मुख्य बाज़ार और जितने भी स्थान हैं, कई जगह ऐसे स्थान हैं जहाँ पर अतिक्रमण भारी संख्या में हो रहा है, लेकिन वहाँ पर नहीं जाते और सिर्फ मंडी में बार बार चले जाते हैं। मैं अल्ताफ खान, मेरे सहयोगी हाफिज़ कमर।